दोस्तों नमस्कार। जैसा कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे दावे किए जाते हैं, आज सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो सिविल लाइंस का एक वीआईपी इलाका है और वहां पर एक बहुत बड़ी लूट हो जाती है। लूट भी एक आम आदमी के साथ होती है, जब तक पुलिस के यहां पर एफआईआर होती है तो वो आम आदमी की तरह एफआईआर होती है। और जिस तरीके से वहां बताया गया कि यहां पर इस तरीके से हमारे साथ लूटपाट हुई, दोस्तों जो जानकारी मिली है वो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की भतीजी दमयंती प्रहलाद मोदी की बेटी, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की भतीजी के साथ ये वारदात हो जाती है। जब उनकी भतीजी थाने के अंदर एफआईआर करने जाती हैं तो वहां पर वो अपना परिचय नहीं बताती हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार से हैं। जब ये खबर मीडिया के सामने आती है और पेपर्स में आती है तो पुलिस वालों को पता चला कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी के साथ ये लूटपाट हुई है, तो पुलिस तब जाकर के हरकत में आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी इलाका जहां पर हवा का भी पत्ता भी अनुमति लेकर के हिले, इस तरह के इलाके में वो वारदात हो जाती है। दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अमृतसर से वो दिल्ली आए, दिल्ली के गुजरात भवन में वो ठहरे हुए थे और वो पुरानी दिल्ली से अपना ऑटो लेकर के वो गुजराती भवन जा रहे थे, पीछे से स्कूटी सवार दो बदमाश आते हैं और उनके पर्स को लेकर के भाग जाते हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी की भतीजी ने बताया कि उसके पर्स में 56,000 रुपये, दो मोबाइल और जरूरी दस्तावेज थे, जिस तरीके से बताया गया आधार कार्ड हो सकता है और पैन कार्ड वगैरह वगैरह। और उसके बाद उनकी फ्लाइट थी और वो नर्वस हो जाती है कि फ्लाइट में जब जाते हैं तो कोई ना कोई दस्तावेज दिखाना होता है। तो अब ये दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी सेफ नहीं है और आम नागरिक का हाल क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर यह लूट होती है उससे 4 कदम दूरी पर दिल्ली के सीएम का आवास है, अरविंद केजरीवाल का आवास है। और ऐसे वीआईपी इलाके के अंदर अगर लूट होती है तो यह सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कैसे सेफ हैं। क्या लगता है आपको अगर इस तरह की जो वारदात होती है और दिल्ली के अंदर रहने वाले आम नागरिक को की सुरक्षा को लेकर के ये कितना बड़ा सवालिया निशान है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी सेफ नहीं हो सकती तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। आते हैं कोई भी लूटपाट करके भाग जाते हैं, कभी किसी की चैन खींची जाती है, कभी किसी का पर्स खींचा जाता है, तो कभी किसी के ऊपर हमला हो जाता है। ये वारदात सिविल लाइंस इलाके की है जहां पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी घर है, चंद कदमों पर फिर सीएम अरविंद केजरीवाल का घर है। तो क्या जवाब दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली की व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कि केजरीवाल दिल्ली के नागरिकों को आश्वासन दे पाएंगे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। केवल और केवल केजरीवाल हैं वो अपनी एक राजनीति के चक्कर में दिल्ली को गर्क में पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कभी दिल्ली में मेट्रो फ्री कराते हैं, कभी बस फ्री कराते हैं, तो कभी बिजली फ्री कराते हैं और कभी वाटर फ्री कराते हैं। फ्री फ्री के चक्कर में सुरक्षा व्यवस्था को इतना फ्री कर दिया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेटी के ऊपर लूटपाट हो गई और दो स्कूटी सवार बदमाश उनके पर्स को लेकर के भाग गए। तो इस लिहाजा से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये वारदात हुई है इसके साथ कितना बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि दिल्ली के अंदर आम नागरिक का हाल क्या होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।